हेलो फ्रेंड्स, लर्न मोर चैनल के इंग्लिश स्पीकिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में मैंने डेली यूज बेसिक इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विथ हिंदी मीनिंग्स, ऐसे 50 वर्ड्स जो इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग्स यहाँ पे आपके लिए लेके आया। तो ये वर्ड्स आपको आते भी रहेंगे, लेकिन डेली आप अगर इसे बोलेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश नहीं सीखोगे दोस्तों। तो आप ये वर्ड्स डेली आपके लाइफ में यूज़ करना चालू करिए। चलिए देखते हैं कौन से ये वर्ड्स हैं जो आपको डेली लाइफ में यूज़ करने हैं। ये बहुत ही बेसिक वर्ड है, लेकिन इससे हम लोग चालू करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में इससे एडवांस वर्ड सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले बेसिक वर्ड्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है हिंदी में बचाओ को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे हेल्प। नेक्स्ट वर्ड है मैं ठीक हूं, उसके लिए हम बोलेंगे आई एम ओके। हिंदी में अंदर आ जाओ को इंग्लिश में हम बोलेंगे कम इन। हिंदी में समझे कि नहीं, इसके लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे गॉट इट। नेक्स्ट वर्ड आपका स्वागत है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे योर वेलकम। मजे करना, इसे हम बोलेंगे हैव फन। मैं पैसे दूंगा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल पे। मेरा पेट भर गया है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फुल। चलो चले, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स गो। हमारा अगला वर्ड है मुझे जवाब दो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आंसर मी। उसके बाद पंछी उड़ते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बर्ड्स फ्लाई। माफ कीजिए को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सक्यूज मी। मैं हंसा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई लाफ। मैं थक गया हूं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टायर्ड। कौन जाने, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हु नोज। हिलो मत, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मूव। उसका पीछा करो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फॉलो हिम। अभी कितने बजे हैं को हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम इज इट। मेरी किताब कहाँ है को हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज माय बुक। मुझे तैरना आता है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन स्विम। मैं कोशिश करूंगा, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे आई विल ट्राई। मैं आ रहा हूं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम कमिंग। मुझे बाहर जाने दो, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी आउट, और इसे हम लोग बोल सकते हैं लेट मी गो आउटसाइड। क्या नया है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स न्यू। हमारा अगला वर्ड है वह कौन है, इसके लिए हम बोलेंगे हुज दैट। चिल्लाओ मत, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट शाउट। वह खड़ा हो गया, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही स्टूड अप। वह ताकतवर है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज स्ट्रॉन्ग। मुझे दोनों पसंद है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक बोथ। मैं आऊंगा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे
आई विल अटेंड, और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल कम। कोई नहीं आया को हम इंग्लिश में बोलेंगे nobody came। क्या मैं गलत था इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे was I wrong। यह क्या है इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे what is this। क्या तुम बीमार हो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आर यू सिक। उसको अंदर ले आओ इसे हम बोलेंगे ब्रिंग हिम इन। हमारे साथ आओ इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कम विथ अस। वह चला गया क्या इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैज ही लेफ्ट। मैं घर पर हूं इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एट होम। मैं हिल नहीं सकता इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट मूव। मुझे नहीं पता इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो। मेरे पास एक कुत्ता है इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ डॉग। मैं समझता हूं इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई अंडरस्टैंड। मैं भूख से मरा जा रहा हूं इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्टार्विंग। बर्फ गिर रही है इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स स्नोइंग। बहुत ज्यादा बड़ा है इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टू बिग। कृपया जाइए को इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज लीव और प्लीज गो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। हम खुश हैं इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी आर हैप्पी। थक गए हो क्या इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आर यू टायर्ड। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू टीच मी। खुदा हाफिज इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गुड बाय। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंग्लिश में सेंटेंसेस और वर्ड्स जिसे यूज करके आप डेली लाइफ में आपका बेसिक इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज से इसे यूज करना चालू करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट सेशन में कुछ और डिफिकल्ट और कुछ एडवांस वर्ड्स के साथ और सेंटेंसेस के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर तो जरूर कीजिए क्योंकि आपके साथ दूसरे भी सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।